दिल्ली में आज मेयर का चुनाव होना था और चुनाव जो है वो अब हाउस ही एडजेंट हो गया है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार है। मैम क्या क्या हो रहा आखिर अंदर, चल क्या रहा है? देखिए, बहुत ही घटिया किस्म का व्यवहार आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों की ओर से हुआ है। जब पीठासीन अधिकारी ने नॉमिनेटेड पार्षदों को शपथ के लिए आमंत्रित किया तो उनकी जो पार्षद थे वो कूद करके मंच पे आ गए और उन्होंने माइक तोड़ दिया, कुर्सी उठा के फेंक दी। मतलब मुझे आज इतना शर्मनाक महसूस हो रहा है कि इस तरीके का व्यवहार कोई जनप्रतिनिधि करे। ये सच में के साथ अभद्रता की बात हो रही है, जबरदस्त अभद्रता, और कईयों को चोट भी लगी है और बड़ी बहुत ही बुरी बुरी गालियाँ, और उसमें से कुछ लोग ऐसा लग रहा था जैसे शराब पी के आए हुए। मतलब समझ नहीं पा रहे कि इस तरीके का व्यवहार इस चुने हुए सदन में होगा तो आगे किस तरीके से काम चलेगा। सदन में आज वोटिंग होनी थी लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। सिर्फ दो पार्षदों ने शपथ ली उसके बाद वो हंगामा कर रहे हैं। मैम अकॉर्डिंग टू द लॉज क्या जो मनोनीत पार्षद है वो पहले शपथ लेंगे या जो चुने हुए पार्षद हैं? देखिए, ये डिस्क्रिशन का विषय होता है। जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त हुआ उसकी मर्जी होती है। अब आपकी अगर मर्जी है कि मेरे आगे माइक लगाना या किसी और के आगे लगाना, क्या उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है? दैट्स इट। आप माइक किसके आगे लगाना चाहते, किसकी बाइट चलाना चाहते, आपका अधिकार है। उस पर क्या नियम है? उस पर कोई नियम नहीं है। डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन ऑफ अ पर्सन एंड डिस्क्रिशन ऑफ एन ऑफिसर, डिस्क्रिशन ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द हाउस टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, दे कैन नॉट डिक्टेट दैट एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। पाँच साल कैसे चलाएंगे सदन, वो तो आज पहले दिन ही हंगामा कर रहे हैं। देखिए, वो तो एनार्किस किस्म के लोग हैं, वो तो इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने शुरू से आखिर तक पूरे देश भर में एनार्की फैलाने का काम किया और उसी एनार्की का नतीजा आप देख रहे हैं। दिल्ली की अव्यवस्था के कारण भी ये हैं और घोटाले पे घोटाले के कारण भी ये हैं। बावजूद उसके लोकतंत्र के अंदर अधिकार है और आप अधिकार व्यवस्था के अधिकार के व्यवस्था के अनुसार अधिकार है, व्यवस्था के बाहर अधिकार किसी को भी नहीं है। तो उसी व्यवस्था में ये व्यवस्था बनाई गई कि एल्डरमैन पहले ओथ लेंगे। एल्डरमैन पहले लें या बाद में लें, आपको क्या फर्क पड़ता है जी? आप बताइए, आपको किस बात का डर है? लोकतंत्र की हत्या करी आज केजरीवाल ने, जो कहते हैं कि हम संसद के अंदर यहाँ पे हाउस के अंदर सत्ता में है, बहुमत है, वो इस प्रकार के करेगा, वो इस प्रकार की हत्या करेगा, ओत नहीं होने देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और आप महिलाओं के साथ, ये महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे, मैन हैंडलिंग करेंगे, ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? देखो, निगम चलता है कानून से, और नगर निगम को आप तानाशाही से चलाओगे तो वो ठीक नहीं है। पहले नॉमिनेटेड वाले विषय पे एक गलती, दूसरी गलती आज कर दी कि उन्हें शपथ दिला रहे हैं। जो चुने हुए पार्षद हैं वो कहता है, लॉ कहता है कि भाई उन्हें पहले शपथ दिलाई जाए, तो लगातार गलती पे गलती। तो अब ये तो ऐसे तो निगम नहीं चलेगा ना, इसका मतलब ये तानाशाही यहाँ भी हर स्टेट में प्रदेश में चलाते हैं, आज निगम में भी घुस गए आज ये लोग, लेकिन ऐसे अब चलेगा नहीं। को ये दुर्भाग्य है हमारे दिल्ली का कि भाजपा के लोग चुन के दिल्ली की जनता ने अपना विश्वास जताया आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद शिष्टाचार के साथ बैठे थे। आपने देखा होगा कि इतनी सालों से जो हंगामा तो आपने शुरू करा था। देखो, हंगामा हमने शुरू नहीं किया, उन्होंने जो किया, कभी भी जो एलजी द्वारा मनोनीत पार्षद होते हैं उनको कभी शपथ पहले ग्रहण नहीं करवाई जाती। एक तो उन्होंने जल्दी की करने में इनको, क्योंकि अक्सर एक एक महीना लग जाता है तब ये होते हैं, और इनकी शपथ ग्रहण भी एक एक महीने बाद होती है। लेकिन आज देखो कि जो चुने हुए पार्षद हैं उनसे पहले ही उनको शपथ ग्रहण करवा रहे हैं ताकि वो वोट दे सके। देखिए, कानून के मानने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर कानून मानना चाहिए था, क्योंकि जीत के आप लोग यहाँ पर आए। पीठासीन अधिकारी बार बार आपको बोल रहा है कि नियम के अनुसार ये सदन चलेगा, और आप आते ही वेल में आकर के ऊपर पीठासीन अधिकारी के ऊपर आप आ गए और आपने जिस तरह से हंगामा मचाया, ये निश्चित तौर पर एक सोच काम कर रही है कि दिल्ली का जो विकास अवरुद्ध करना है, चाहे निगम में रहो चाहे दिल्ली सरकार में रहो। पीठासीन अधिकारी बार बार अनुरोध करता पार्षदों की आप नीचे जाएँ, वेल में ना आएँ और अपनी बात को रखें, आपकी बात को सुनने को तैयार हैं। नियम के कानून के तहत जो एल्डरमैन थे उनको शपथ करानी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, चार ने शपथ भी ले ली थी, ये वेल में आकर के उन्होंने हंगामा मचाया। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के जिस तरह से जो आज वातावरण देखा गया, निश्चित तौर पर दिल्ली के विकास में कोई भागीदारी निभानी चाहते हैं, खाली शोर और मीडिया का अटेंशन अपनी तरफ करना चाहते थे।